अभी असाइनमेंट बना के फ्री हुआ तो अचानक से माइंड के नहीं आ रहा, तो मैंने तो वीडियो ही अपलोड नहीं की। जाने इतनी मोटिवेशन की से आ रही मन में। जैसे कि 30 दिसंबर है, यानी कि 2021 की लास्ट डे, और कल से इंशाल्लाह 2022 शुरू हो जाएगा। और कल की बहुत बारिश हो रही थी आपने देखा ही, लेकिन अभी भी है हल्की, लेकिन पहले से कम हो गई है। परंतु तो यार रात का कि पार्टी करेगी, लगो लाभ लोग भी होगी, लेकिन कहते हैं कि हाँ रात में बारिश हो गई, तो बारिश हुई तो इम्पॉसिबल होगा, तो मुश्किल होगा, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी वगैरह ज़्यादातर गन्ने मगोसा और लफ की होती है, या लफ कोसा, तो वह देखते हैं। फिर इंशाल्लाह दुआ करेगा बारिश ना। अभी 12 बजे और अभी मैं होता और सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊँगा, फिर कॉफ़ी बनाऊँगा और फिर अपना यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कम्प्लीट करूँगा। सिस्टम होते हैं, जैसे सेपरेट के उड़ाने का एक सिस्टम बहुत होता है, जैसे आपके कपड़े अगर गंदे हो गए तो आप डायरेक्ट और मशीन में डाल दो, या बाथरूम में या आपके रूम के अंदर बाल्टी या डस्टबिन पड़ी होगी उसके अंदर डाल दो, जब वो पूरे हो गए तो आप डायरेक्ट मशीन में डालो और बस। मगर अगर देखा जाए इंडियन स्टाइल या पाकिस्तानी स्टाइल वैसा सिस्टम होता तो शायद उड़ाना मुश्किल होता। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बंदा कैसा हो रहता है ना, मैं कैसा हो गया, मैंने कभी ये सब सोचा नहीं था। लेकिन यूरोप या बाहर की तरह भी रहने के 2 फायदे बहुत होते हैं, एक तो बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है और दूसरा उसे सब काम करने आ जाते हैं, उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। मगर कभी कभी बंदा टेक्नोलॉजी और लैपटॉप वगैरह बोर हो जाते हैं कि आकर कब तक दोबारा से बातें करते रहोगे, कब तक लैपटॉप टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर कंज्यूम रहोगे। और फिर जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर, किसी कजन या किसी दोस्त से शिकायत पर बात कर लेता हूँ। मगर इन सब चीज़ों पर एक ही बात बारी है कि बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है और उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान होता मैंने साइप्रस में जो कुछ सीखा और पाकिस्तान में ना कभी सीख पाता। वह अभी तक के लिए इतने तो मिलते हैं किसी नहीं हो।